अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर नंबर 22 में हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 जो स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट करेंगे। आपने इसको लिखना भी है, याद भी करना है। हिंदुस्तान की तारीख में औरंगज़ेब के मुकाम का तजिया करें। इसका आंसर पेज नंबर 50 के ऊपर जो रिमेनिंग रह गया वो हम करेंगे। औरंगज़ेब को फ़न तमीर से बहुत लगाव था। उसने अपने अहदे हुकूमत में दिल्ली के लाल किले में संगे मरमर की एक बहुत खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई जो मोती मस्जिद के नाम से मशहूर है। लाहौर की पाशाही मस्जिद भी औरंगज़ेब ने तामीर करवाई। इस्लामी तालीमात की पाबंदी करवाने के लिए उसने बड़े बड़े शहरों में मुहतसब मुकर्रर किए। औरंगज़ेब एक पैदाइशी सिपाही था। उसकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा मैदानी जंग में गुजरा। उसने अजबकों, जाटों, सिखों, राजपूतों और मराठों का बहुत मुकाबला किया और उनकी बगावतों को सख्ती से कुचल दिया। हम कह सकते हैं कि मजहबी लगाव, सादा तबीयत, बहादुरी, जफाकशी, कुफ्त फैसला और इंसाफ पसंदी में मुगलिया बादशाहों में से औरंगज़ेब बादशाह का कोई सानी नहीं था। औरंगज़ेब आलमगीर 50 साल हुकूमत करने के बाद 90 साल की उम्र में 1707 में वफात पा गया। आज का यही लेसन था। अल्लाह हाफिज़।